सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल सुपर फास्ट न्यूज को और साथ ही प्रेस करें बेल आइकन ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। देश की राजनीतिक पटल पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए जयप्रकाश जनता दल काफी शिद्दत से काम कर रही है। उस कड़ी में जयप्रकाश जनता दल के राष्ट्रीय कार्यालय का उद्घाटन 16 सितंबर 2018 को दिल्ली में किया गया। कार्यालय के उद्घाटन में डॉक्टर वरुणनाथ गुरुजी और राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज सहाय ने किया। इस अवसर पर पूरे देश से जयप्रकाश जनता दल के कार्यकर्ता व नेता उद्घाटन स्थल पर पहुंचे। कार्यक्रम के संयोजक राकेश वर्मा राष्ट्रीय संयोजक थे। मंच का संचालन डॉक्टर राजकुमार ढींगिया ने किया। इस अवसर पर बीके सिंह अध्यक्ष राष्ट्रीय परिषद, शशि सिंह राष्ट्रीय महासचिव सहित जयप्रकाश जनता दल के सभी नेता उपस्थित थे। पेश है यश कुमार की एक रिपोर्ट। समुद्र का जितना जल है उसकी स्याही बना दूं तो भी उसका बखान करना संभव नहीं होगा। ऐसे थे हमारे लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी। गुरु जी जो हैं वो आपके बीच अभी कुछ ही पलों में पहुंचने वाले हैं। राष्ट्रीय संयोजक राकेश वर्मा जी आपके बीच उपस्थित हैं। राकेश वर्मा जी का ताली बजाकर स्वागत कीजिए आप सभी, और मैं चाहूंगा एक बार वो मंच पे भी आ जाएं, तालियों की गड़गड़ाहट से इनका स्वागत करें भाई राकेश वर्मा जी का, क्योंकि आज का जो प्रोग्राम दिल्ली स्टेट में संभव हुआ है, राष्ट्रीय कार्यालय जो दिल्ली स्टेट में संभव हुआ है वो भाई राकेश वर्मा जी का दिन। आप लोग जोरदार तालियां बजाएं। मैं सुनील वर्मा जी से अनुरोध करूंगा, ये हमारे साथी जो बाहर से आज पार्टी में शामिल हुए हैं इनका स्वागत करें। सतीश कुमार जी, चाहत जी, सतीश बब्बर, भोपाल सिंह जी हमारे बीच स्वागत करेंगे। सुनील वर्मा जी, और हमारे बीच सतीश पारचा जी भी आए हुए हैं, वो भी मंच पे आ जाए एक बार। सतीश सॉरी प्रदीप पारचा जी मंच पे आ जाए एक बार, मंच पे आओ प्रदीप पारचा जी। मैं वर्मा जी से कहूंगा, हनी वर्मा जी प्रदीप पारचा जी का स्वागत करें एक बार, ये नोएडा से आए हैं। ये हमारी पार्टी में दोस्तों आज इतना सारा परिवार हमारे बीच जुड़ा है, एक बार जोर से तालियां हो जाएं। जीवकानंद प्रधान जी पानी की व्यवस्था बनाए रखें, मंच के बगल में पानी है, लोगों तक पहुंचाएं। भाई अजय दास जी, भाई गोल्डी जी, दोस्तों जीवकानंद झा जी पानी की व्यवस्था बनाए रखें, पानी की व्यवस्था बनाए रखें, क्योंकि जिस पार्टी का चुनाव चिन्ह डीजल पंप है तो वहां पानी की कोई कमी नहीं होनी चाहिए दोस्तों, इसलिए पानी की व्यवस्था पूरी होनी चाहिए। कोई हमारा साथी प्यासा नहीं रहना चाहिए इस सभा में भी और इस देश में भी।
यहाँ आनंद ले। ओ ढोल जगीरों दा करूंगा। हमारे बीच आए गुरुजी डॉक्टर वरुण नाथ जी से, वो मंच पे पधारे। श्री पंकज सहाय जी से, वो मंच पे पधारे। आप तालियों की गड़गड़ाहट से सहयोग करें। पंकज सहाय जी, गुरुजी मंच पे पधारे। राकेश वर्मा जी आप लेके आए, शशि जी लेके आए, दिवाकर निगम जी लेके आए। आप सभी तालियों की गड़गड़ाहट एक बार स्वागत गुरुजी का। मैं राकेश वर्मा जी से निवेदन करूंगा कि गुरुजी का स्वागत करें फूल माला द्वारा। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से निवेदन करूंगा, क्योंकि गुरु के आगे कुछ भी नहीं होता दोस्तों। गुरु ज्ञान का भंडार होता है, गुरु अपरंपार होता है, और सही बताऊं तो गुरु ही ये संसार होता है। मेरा हार्दिक प्रणाम नमस्कार। सबसे पहले इस कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन के लिए हमारे राष्ट्रीय संयोजक राकेश वर्मा जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। जय प्रकाश जनता दल, बहुत लोगों के मन में ये विचार उत्पन्न हो रहा होगा, यह पार्टी कौन है, कहां से आई है, लेकिन जय प्रकाश नारायण के बारे में विचार उत्पन्न होने की कोई संभावना नहीं लगती है, क्योंकि जय प्रकाश नारायण आजाद देश के सबसे बड़े आंदोलन भारत में जो हुआ उसके प्रणेता रहे। इससे बड़ा आंदोलन आज तक नहीं हुआ जो जयप्रकाश नारायण ने नेतृत्व दिया था। जयप्रकाश नारायण के विचारों पर आधारित यह पार्टी, एक ही मुद्दा है इस पार्टी का, हर घर में शांति सद्भाव समृद्धि उत्पन्न हो, और आज की जो मानसिक रूप से विकृत लोगों की जो राजनीति चल रही है, आपस में वमनस्य और दलित और सवर्ण का मतभेद पैदा करके जो राजनीति की रोटी सेक रहे हैं, इन सभी को हम लोग नकार देंगे। ऐसा है, किसी भी संगठन को बनाने में और उसके उद्भव में बहुत सारी बैठकें होती हैं, टाइम लगता है। एक्चुअली कार्यालय तो यहीं से कार्य कर रहा था, लेकिन हुआ यह कि जब सारे राज्यों में हम लोग घूमे, घूमने के बाद हुआ कि ठीक है, केंद्रीकृत कार्यालय चुनाव आयोग ने जो निबंधित किया है वो इस कार्यालय का निबंधन अभी दिया है कुछ महीने पहले, तो उसकी तैयारी हो रही थी कि उचित वक्त और उचित समय देख करके किया जाए। तो निबंधन के बाद यह रजिस्ट्रीकृत कार्यालय चुनाव के साइट पे भी है, आज यही है, इसलिए उसको दुर्घटना किया गया। 2019 में जो चुनाव हो रहे हैं उससे पहले जो देश में माहौल बन रहा है, हाँ, उसके बारे में देखिए, 2019 के चुनाव में देश में माहौल जो बन रहा है, चूँकि मैं भी सब जगह घूमता हूँ, मैंने देखा है लोग, कुछ लोग मोदी शासन से खुश हैं, कुछ लोग नाराज हैं, कुछ लोग का एक्सपेक्टेशन बहुत हाई था जो पूरा नहीं हुआ। कांग्रेस की लोग देख रहे हैं कि लगभग वो मृत प्राय कगार पे है, और बाकी कोई विपक्ष जो मजबूत नज़र नहीं आ रहा है। तो विपक्ष जो मजबूत होगा एक विचारधारा पे ही होगा, और विचारधारा जो जयप्रकाश नारायण का है, मेरे ख्याल से पहले भी मैंने कहा था अभी मंच पे कि जयप्रकाश नारायण के द्वारा आज़ाद भारत में सबसे बड़ा आंदोलन हुआ था, और उन्होंने असली समाजवाद की परिभाषा को प्रभाषित करनी थी। तो वहाँ हम लोग समझ रहे हैं कि हम लोग अगर 19वें ढंग से आएँ तो जीतेंगे ज़रूर, और सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे। ये तो हम नहीं कह सकते कि सरकार हम बनाएंगे, बट सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे। सभी कार्यकर्ता एकजुट रहें,
और जयप्रकाश जी का जो विचार था समाजवाद के प्रति, उसको जो है पूरे देश में फैलावे, और इसके लिए जो है सो मेरा तहे दिल से सारे कार्यकर्ताओं को आशीर्वाद है, क्योंकि हम तो अध्यक्ष और ये इस सब के बीच नहीं, हम सिर्फ सबको जो है एक कार्यकर्ता के रूप में मानते हैं। अध्यक्ष पार्टी के लिए होंगे लेकिन हमारे लिए तो एक कार्यकर्ता हैं, और सबको आशीर्वाद और जयप्रकाश जी के विचार को देश के हर एक लोगों तक ये पहुँचावे, यही मेरा। पहले हमारा ये कार्यालय जो हमारी पार्टी है उसका मेन उद्देश्य जो है हिंदुस्तान में शांति, सद्भाव और समृद्धि का है, जिसके लिए कि पहले जयप्रकाश नारायण ने ये कार्यक्रम बिहार से शुरू किया था। ये पहले कार्यक्रम जो बिहार में था वहाँ पे कार्यालय था, हम लोगों ने इसको दिल्ली लाके यहाँ उद्घाटन कर दिया, और यहाँ के अलावा भी हम लोगों ने 11 राज्यों में और उद्घाटन पहले कर चुके हैं। दिल्ली में अब सब लोगों के अनुग्रह पे सबने कहा कि दिल्ली में कार्यालय होना चाहिए हमारा मेन, तो दिल्ली में सभी पार्टियों का मेन कार्यालय है, तो हमने भी अपना कार्यालय यहाँ खोल दिया है अब, और आगे से सारे कार्यक्रम सबके दिशा निर्देश यही से जाया करेंगे। यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अभी अभी नव निर्वाचित हुए हैं श्री राष्ट्रीय पंकज सहाय जी, वो यहाँ बैठे हैं। देखिए सबसे पहले भी हमारा जो एजेंडा है वो हम लोगों के बीच में जाके शांति, सद्भाव और समृद्धि, क्योंकि देश में अभी भूखमरी का बहुत बड़ा आलम है। आज की सरकारें कुछ नहीं कर रही, लोग परेशान हैं, रोटी, कपड़ा, मकान और रोज़गार सबसे ज़रूरी है आज की समय में, कि लोग यहाँ रोज़गार का कोई इंतजाम नहीं है लोगों के पास। सरकारें नीतियाँ बना रही हैं मगर उसका इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, सरकारें कानून पे कानून डाल रही हैं, लोगों पे जुल्म डाल रही हैं, ऐसे ऐसे जुल्म हो रहे हैं कि आज की डेट में कभी हिंदुस्तान में इतना महंगा पेट्रोल डीजल नहीं हुआ। ये सब आम आदमी पे दबाव डालने का तरीका है, और इस दबाव के नीचे लोग दबते जा रहे हैं और महंगाई बढ़ती जा रही है। हम लोगों का काम इलेक्शन लड़के नेता बनना नहीं है, लोगों के बीच जाके लोगों की समस्याओं को हल करना, रोटी, कपड़ा और मकान का अरेंजमेंट करना है। हमारी पार्टी लोगों को 100% रोजगार की व्यवस्था करने के प्रयासरत है। जयप्रकाश जनता दिल्ली प्रदेश, दिल्ली में ऑरेंज सीलिंग के लिए क्या करते हैं? देखिए ऑरेंज सीलिंग यहाँ जो सीलिंग का प्रोग्राम है ना, सीलिंग पे हमारा कोई बीच में उनका भी बोलने का नहीं है। ये आपसी पार्टी पॉलिटिक्स चल रही है, एक दूसरे को पार्टी नीचा दिखाने में लगी हुई है, जिसके लिए उन्होंने कानून की व्यवस्था, हमारे कानून की व्यवस्था को बीच में इस्तेमाल किया जा रहा है। उससे ना कोई बीजेपी वाला सुनने को तैयार है, ना कोई आम आदमी पार्टी, और कांग्रेस तो अभी सरकार में नहीं है तो वो क्या करेगी बेचारी। नहीं हमारा हम जब अभी ना शासन में है ना प्रशासन में है, हम तो जो लोगों की समस्या है, जिनकी सीलिंग्स हो गई हैं, जिनकी रोजगार छूट चुके हैं, हम चाह रहे हैं कि उन लोगों को रोजगार दिलाए और उनके दोबारा से उनके कामों को दोबारा चालू करवाएं, जिसमें अपनी पूरी मदद करेंगे। जी, किसी भी कार्य को संचालित करने के लिए कार्यालय बहुत आवश्यक होता है, और ये राजधानी है। चाणक्य ने भी कहा था कि अगर आपको पूरे देश में संचालन करनी है तो आपको राजधानी पर कब्जा रखना होगा। इसी को देखते हुए हम लोग ने दिल्ली में ये कार्यालय का उद्घाटन किया है, भव्य उद्घाटन किया है। यहाँ से हमारी जो अब रणभेरी जो बच चुकी है, और हम देश के पूरे, यही नहीं रांची में भी हमारे ऑफिस खुल चुके हैं, और 11 राज्यों में खोलने का हम लोग का टारगेट है।